जहलम से खबर शामिल करते हैं, जहां पर काला गुजरा में रिक्शा ड्राइवर ने मसीही लड़की को साथियों के साथ मिलकर ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस के मुताबिक जहलम के इलाके काला गुजरा से 24 सितंबर को 16 साल मसीही लड़की चर्च जाते हुए अगवा हुई थी और लड़की के वालिद की मदियत में अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस हकाम ने बताया कि लड़की बाजियाब हो गई है और इसने बताया है कि रिक्शा ड्राइवर ने अपने दो दीगर साथियों के साथ मिलकर उसे ज्यादती का निशाना बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक लड़की से ज्यादती की तस्दीक हो गई है। हकाम के मुताबिक रात के मुलजमान लड़की को फेंक कर फरार हो गए और उसने घर पहुंचकर बताया कि उसकी रिक्शा ड्राइवर से फोन पर दोस्ती हुई थी और रिक्शा ड्राइवर ने वीरान जगह ले जाकर दोस्तों के हमरा उससे ज्यादती की, ताहम लड़की को रिक्शा ड्राइवर समेत किसी का नाम पता मालूम नहीं। पुलिस हकाम का कहना है कि मोबाइल फ़ोन के जरिए मुलजमान का सुराग लगा रहे हैं, जबकि मेडिकल रिपोर्ट के बाद मुकदमे की दफात तब्दील की जा रही हैं।